हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको मैं आसान सी रेसिपी बताने जा रही हूँ, छोले कुलचे वाली। बहुत ही सरल रेसिपी है, आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने छोले लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, पानी बहुत ही कम डालना है कि छोले अपने बस डूबे हुए लगे नहीं, पानी अपन को डालना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा अपन नमक डाल देते हैं। नमक डाल के कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे। जितनी देर में अपने छोले तैयार होते हैं, इतने अपन कुलचे का तैयार कर लेते हैं। कुलचे का तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन ने 4 कप मैदा ली है, 4 कप मैदा ली है। इसके बाद इसमें अपन थोड़ा नमक डालेंगे। सबसे पहले आधे 3 स्पून नमक डालेंगे इसमें। उसके बाद अपन नमक के डालने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, 2 चम्मच 2-3 चम्मच चीनी ऐड कर लिया अपन ने इसमें। इसके बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। यदि बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, और दोनों चीज़ है तो आप दोनों 1/2 चम्मच डाल सकते हो, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे अपन। फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-3 स्पून ऑयल डालेंगे अपन। इसके बाद अपन इसको दही डालेंगे, 1 कटोरी दही डालेंगे इसमें। इसके बाद दही डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे। इसको अपन हाथ से अच्छी तरह लगा देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल के आटे को सॉफ्ट लगाया जाता है बिल्कुल, और यदि अपने थोड़ा सॉफ्ट नहीं आता है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। सॉफ्ट आटा इसमें तैयार कर लिया है, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट नजर आ रहा है, ये देखो सॉफ्ट नजर आ रहा है। इस तरह से आटा तैयार अपन को करना है, और जब ये अपना सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल, तब अपन को इसको ढक के ऐसे करके इसको 1 घंटे के लिए अपन को ढक देना है। ढककर इस तरह से कोई भी आप कटोरा वगैरह उल्टा करके इसके ऊपर रख दीजिए। हमारे छोले कुलचे तैयार, छोले तैयार हो गए हैं, और इसको थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा करना है, ज़्यादा सीटी लेनी है अपन को कुकर में, ज़्यादा सीटी लगा के अब अपन इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले में सबसे पहले अपन को 1/2 टीस्पून मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट। एक पैन में थोड़ा सा तेल हमने गैस पर चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा हींग, इसके बाद हम लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट इसमें डालेंगे। इसके बाद अपन को इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं। और हल्का सा इनको चलाना है, भून लेना है टमाटर को, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, कम ही भूनना है। सॉफ्ट हो गया है बहुत कम, और अपन को ये सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा अपन को चाट मसाला भी डाल देना है। तो इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अपना देख इस तरह से अपना मसाला रेडी है और अपन इसको छोले में मिला देंगे। ये अपने छोले तैयार है खाने के लिए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। देख घंटे में ये आटा सेट हो चुका है अच्छे से। अब अपन इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, इसको चकले पे लगाएंगे और अब इसको बेलना शुरू करेंगे हल्के हाथ से। तो इस तरह से इसको बेलते जाएंगे, थोड़ा सा और सूखा आटा लगाएंगे अपन। इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारा बिल के तैयार हो चुका है। मैंने तवा गरम कर दिया है, अब मैं इसको इस पे गरम हो चुका है हमारा तवा, अब इस पे डाल देंगे इस पे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसके किनारे किनारे पर पानी डालना है। इसको अब इसको अपन को पलट के पलट देना है और एक बार से दोबारा तवे पर पानी डालना है और अब इसको अपन को फिर से एक मिनट के लिए ढक देना है। घी लगा सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इस पर लगा सकते हो। दोनों तरफ से पलट के इसको अब आप इसको इस पर आटा लगा या यदि आप घी नहीं लगाना चाहते हो तो ऑयल भी लगा सकते हो इस तरीके से। और इसको आप एक दो बार और पलट देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। देखो कितना अच्छा ना ये सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा लग रहा है सीखने पर के बाद में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सॉफ्ट कुलचा तैयार है बनके, टेस्टी बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट आप भी जरूर बनाइएगा, एक बार जरूर ट्राई करना और अपने सारे परिवार को बना के खिलाना।